नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए लाइव सेशन के अंदर। और कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया, इसका हमें खेद है। कल थोड़ा सा क्या स्वास्थ्य खराब था, जिसके कारण आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। और आज थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, नीचे बहुत ज्यादा ही। जुड़ जाइए सारे। कमेंट आ रहे हैं कि नेट को नहीं चल रहा है, नेट कौन चल रहा है, क्यों कौन चल रहा है नेट? एक बार कमेंट करके बताइए। चलो मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूँ, सब डाउट जो क्लियर हो जाएंगे, क्या है क्या नहीं। एक सेकंड, फिर शुरू करते हैं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भी कमेंट किया था कि नेट नहीं चल रहा है, अमित कुमार जी और सीमा यादव जी कह रही है कि वीडियो नहीं चल रहा है। प्लीज आप अपना नेट चेक कीजिए। यहाँ देखो, ये मेरा फोन है और इसमें बिल्कुल प्रॉपर वे में, ये दोनों एक ही नेट से नहीं जुड़े हुए, दोनों अलग अलग नेट से जुड़े हुए और आसानी से चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। तो एक बार आप अपना नेट चेक कर लें, इसके बाद शुरू करते हैं सेशन की। कोई इशू नहीं है। और बाकी लोग भी कमेंट करके बता दीजिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार ये बता दीजिए कि आपको वॉइस और वीडियो प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है, वीडियो आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है, कोई बफरिंग वगैरह नहीं हो रही है, सब कुछ ओके है। एक बार कमेंट कर दे, इसके बाद शुरू करते हैं। और आपके आज मैं कमेंट भी लेने वाला हूँ। वैभव जी कहते हैं, वैभव मोदी की, गुड मॉर्निंग सर, इकोनॉमिक सर्वे तक कब तक पॉसिबल है? देखो, इकोनॉमिक सर्वे वैसे तो फरवरी में आ जाता है हमेशा, लास्ट बार भी फरवरी में आ गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया है और लगभग आधा साल बीत चुका है। तो अब कहा नहीं जा सकता, आएगा या नहीं आएगा। हालांकि हर साल का आता है, ये हमेशा से आता रहा है, तो देखते हैं अभी आ जाए तो वेट कर लेते हैं कुछ समय और, क्योंकि अब तो कोई अड़चन है नहीं, कोई चुनाव वगैरह भी नहीं है, सब चीजें जो समाप्त हो चुकी है, सारा काम जो प्रॉपर तरीके से समाप्त हो चुका है। तो अब अगर आना होगा तो इस महीने में आ जाएगा, वरना फिर नहीं आएगा। सर जूनियर अकाउंटेंट, चलिए बाकी आपके जैसे कोई कमेंट है नहीं विशेष, सिर्फ लास्ट ईयर के। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर नहीं आता है तो हमारे पास बाकी कोई ऑप्शन रहता नहीं है, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम जो पिछले साल का था उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको ही हमें करना है। और इसके लिए मैंने आपको सारी चीजें जो दी हुई है, और फिर से अपन जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए लाइव सेशन के अंदर। हो सकता है मैंने बीच में स्वागत आपका नहीं किया और सीधे आपने कमेंट ले लिए थे मैंने। और यहाँ देखिए, इस वीडियो को अगर आप पहली बार आए हैं या आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। हाँ, यहाँ हम पिछले लगभग मान के चलिए तो 8 महीने हो गए और इस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीसी जूनियर अकाउंटेंट की। काफी लंबा समय हो चुका है, भर्ती हालांकि अभी तक नहीं आई है, मंजूरी मिली हुई है, कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण जो है सरकार की इच्छा शक्ति भी है इसमें। और भर्ती तो देखो आनी है बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू भी है और कुछ राजनीतिक इशू भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो ये जाल है इस प्रकार का राजनीति का, उसके अंदर जो हो भर्तियां हमेशा फंसती रही है। लेकिन देर सवेर बिल्कुल भर्ती आपकी जो हो जुलाई के अंदर आ जाएगी। जो भर्ती आपकी फरवरी में आने वाली थी वो अब जाके आपकी जो हो जुलाई अगस्त, जुलाई में आने वाली है, अगस्त तो नहीं कहूंगा, जुलाई के अंदर आपकी भर्ती आ जाएगी। जो हमारे पास अभी की सूचना है उसके अकॉर्डिंग आपकी पटवारी की, जूनियर अकाउंटेंट की सारी भर्तियां जो है अगले महीने तक आ जाएगी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के लिए ऑडिट के बारे में। हालांकि ऑडिट हमने एक बार आपको अनअकैडमी पे करवा दिया है, फिर से करवा रहे हैं ताकि जो नए बच्चे जुट रहे हैं उनको यहाँ पर भी मिल सके सारा के सारा डाटा। और इसके अलावा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं, लगभग आपको 250-300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहे हैं। और बाकी सब्जेक्ट भी अपन कंटिन्यू रखने वाले हैं, कुछ कल
स्वास्थ्य में गड़बड़ के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए, जिसके कारण जो है एक बार मैंने शेड्यूल डाला था लेकिन बाद में वो हमें हटाना पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो हमारा अध्याय एक था उसको समाप्त करते हैं और कल हम नया अध्याय शुरू करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम कल हम शुरू करने वाले। देखिए अंकित सर हमने लगभग पढ़ लिया है कितने प्रकार का ऑडिट होता है वो पढ़ लिया है, बेसिक जितने भी चीजें ऑडिट के बारे में हमें जानने की आवश्यकता थी, ऑडिट क्या है, क्या उसके प्रकार है, ये सारी चीजें हमने देख ली है, यानी एक इंट्रोडक्शन जो है हमने ऑडिट का, सामान्य सा परिचय हमने ऑडिट का देख लिया है। अब थोड़ा सा आज का ये वीडियो रहा है 10-15 मिनट का, इसके बाद ये टॉपिक खत्म करके कल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि अंकेक्षण के लाभ क्या है और हानि क्या है। देखिए हानि इसे आप कहो तो हानि कह लीजिए, या आप इसे क्या कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, ठीक है। क्या लाभ क्या है, देखिए लाभ तो यह है कि अनुशासन बना रहता है। यदि हम जिस व्यवसाय के अंदर काम कर रहे हैं, हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिस विभाग में काम कर रहे हैं, और हमें ये पता है, जैसे देखिए जूनियर अकाउंटेंट होता है उसके हमेशा डर रहता है कि ऑडिट होगी तो उसने अगर कोई गलती की है तो वो पकड़ी जा सकती है, कोई अशुद्धि जो है वो पकड़ी जा सकती है और जो ऑडिटर है वो आपके पेरा लिख जाएगा और उस पेरे के ऊपर फिर आपको नोटिस मिलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस प्रकार एक गवर्नमेंट स्कूल होती है उसके अंदर जो टीचर होते हैं वो थोड़ी सी क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं पढ़ाने में, अपना कर्तव्य निर्वहन करने में। वो ही अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहां मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा है, वहां पे जो प्राइवेट जो संस्था है वहां की जो मालिक है वो 24 घंटे कैमरे से और अपनी आंखों से उनके ऊपर नजर बनाए रखते हैं, तो वहां काम करने वाला बंदा जो है वो बिल्कुल भी अपने कर्तव्य में कोताही नहीं बरत सकता, जिसके कारण वहां पे जो ज्यादा अनुशासन है। कहां अनुशासन है, जहां ये डर हो कि जांच हो जाएगी, ये डर हो कि पकड़े जाएंगे, वहां क्या रहेगा, अनुशासन रहेगा। और ये मानव स्वभाव है कि जहां हमें छूट मिल जाती है, जहां हमें ढील मिल जाती है, जैसे कि अभी YouTube पे हम वीडियो डालते हैं तो कभी कभी ऐसे मन नहीं करता है तो हम नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, ऊपर कोई अंकुश नहीं है, पर कहने वाला कोई नहीं है, भाई मन में आया तो वीडियो डाल दिया, नहीं डाला तो नहीं डाला। लेकिन जहां हम अनअकैडमी पे जाते हैं तो वहां हमारे ऊपर लिमिटेशन है, हमें आगे जवाब देना पड़ता है, तो वहां पे डेली वीडियो डालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर वे में अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एक शेड्यूल तरीके से करना चाहते हैं और डेली आपको चीजें मिले, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन हम ले, वहां हमें क्या चीजें मिलेगी, क्या बेनिफिट होगा, तो उसके लिए आप डेमो देख सकते हो। आज रात को 10 बजे हमारा एक फ्री का डेमो है, आपका एक रुपए भी नहीं लगेगा, जहां हम हिंदी के जो संधि और संधि विच्छेद टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर एक घंटे का पूरा 60 मिनट का सेशन रहने वाला है। तो अगर आपके मन में अनअकैडमी प्लस पे कैसे पढ़ते हैं, क्या पूरी प्रोसेस रहती है, क्या वहां एक्स्ट्रा चीजें मिलती है और कितना हमें फायदा हो सकता है, तो वो सब चीजें देखने के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अभी इस नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, जैसे वीडियो एंड होगा इसके नीचे लिंक डाल दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और रात को 10 से 11 बजे तक अपना सेशन रहने वाला है। और अनअकैडमी में डेली अपने 2 घंटे के सेशन रहता ही रहता है, मार्च से चल रहा है, तो ठीक है, तो वहां जाके आप कर सकते हैं। और आपको अगर और जानकारी लेनी हो कि सब्सक्रिप्शन कैसे करना है, कैसे पे करना है, कितना पे करना है, तो वो सारे आप आते मेरे को कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। दूसरा जो पहला लाभ क्या है, अनुशासन बना रहता है। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रहता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, काम प्रॉपर वे में चलता रहता है, कपट है, गबन है, अशुद्धियां हैं, इनके ऊपर नियंत्रण बना रहता है अगर ऑडिट होती है तो। और व्यापार की एक ट्रू एंड फेयर स्थिति, सही आर्थिक स्थिति का पता चलता है। एक कंपनी है वो काफी साल, जैसे हम अगर जैसे अपने एक छोटी सी परचून की दुकान है और यदि हम उसका लाभ हानि नहीं निकालें, क्योंकि जो छोटे व्यवसायी होते हैं वो नहीं निकालते, जो एकल व्यापारी होते हैं वो ज्यादा झंझट में नहीं पड़ते, भी ठीक है लाभ हुआ तो ठीक, हानि हुई तो ठीक। लेकिन जहां एक बड़ी व्यवसाय बड़ा व्यवसाय होता है, थोड़ा जहां ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, अब उनको उस अपने व्यवसाय की सही स्थिति पता होनी जरूरी है कि व्यवसाय एक्चुअल कैसे चल रहा है। तो ट्रू एंड फेयर स्थिति किससे पता चलती है, ऑडिट से पता चलती है। तो ये कुछ इसके लाभ हो गए। इसी प्रकार कुछ इसकी हानियां भी हैं। हानियां जैसे, एक तो ये शुद्ध रिपोर्ट 100% 100% शुद्ध रिपोर्ट नहीं देता, भाई ये नहीं कहता है कि ऑडिट करवा लिया इसका मतलब अब गलतियों की कोई संभावना नहीं है, एकदम बिल्कुल प्योर हो गया, नहीं,
ऑडिट के बाद भी बहुत सारी चीजें जो छूट जाती है, कई गबन कई कपट ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, कुछ अशुद्धि अभी छूट जा सकती है। तो 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता, ये एक इसकी लिमिटेशन है। केवल वित्तीय विवरणों की ही जांच करता है, वित्तीय विवरणों के अलावा ये जांच नहीं करता है। केवल जिसको पैसे में मापा जा सकता है उसी की यहाँ पे क्या होती है, जांच होती है। तो ये एक लिमिटेशन है। कर्मचारियों की ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है ये, कर्मचारी की ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है। ऑडिट सही है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि कर्मचारी सारे ईमानदार है, ठीक है, ये एक लिमिटेशन है। औचित्य की जांच नहीं होती है, केवल सिद्धांतों की जांच होती है, वैधानिकता की जांच होती है, और औचित्य की जांच नहीं होती कि ये गलती हुई है तो क्यों हुई है। भाई सीधे हमने कंप्यूटर में अगर टाइप कर दिया कि इस गलती के लिए ये सजा है, जैसे कोई रोबोट को, तो वो ये नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गलती क्यों की है, क्या परिस्थिति रही होगी इस प्रकार की अशुद्धि, इस प्रकार का कपट, इस प्रकार का गबन करने की, तो वो सारी चीजें नहीं देखी जाती। केवल क्या देखा जाता है, वैधानिकता देखी जाती है, औचित्य नहीं देखा जाता। तो ये कुछ इसके लाभ और कुछ सीमाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक ऑडिटर जो होता है, एक अंकेक्षक होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो अंकेक्षक के अंदर देखो, पुस्तपादन और लेखांकन का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उनके सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, व्यवसाय की तकनीकी विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। जिस व्यवसाय का वो ऑडिट करने जा रहा है, उस नियोक्ता से पहले व्यवसाय को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि वो किस चीज का व्यवसाय करते हैं, क्या उनका लेना और क्या उनका देन है, और फिर उनकी टेक्निकल चीजों को समझ के फिर उसका जो है वो ऑडिट शुरू करना चाहिए। नियमों व सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए, ईमानदारी चातुर्य और विश्वसनीयता के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। जब तक उसे पूर्ण, जैसे इंटरनल ऑडिट है कहीं पर, उसको पूर्ण अपनी चतुराई से और ईमानदारी से उसकी जांच करनी चाहिए, और अगर उसको लगता है कि विश्वास करने योग्य है, इसमें कोई भी शंका का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ही उसे विश्वास करना चाहिए, वरना दूसरों के किसी रिपोर्ट पे उसको विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए ऑडिटर के गुण। अब देखिए अंकेक्षक के सिद्धांत जो दिए गए हैं वो किसके अंदर दिए गए हैं, ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1 के अंदर दिए गए हैं। पूछा जा सकता है अंकेक्षक सिद्धांत कहाँ दिए गए हैं, निम्न में से AAS 1 किससे संबंधित है, AAS किससे संबंधित है, अंकेक्षक के सिद्धांतों से संबंधित है, ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो है किससे संबंधित है, सिद्धांतों से संबंधित है। क्या कहते हैं कि ऑडिटर को ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। ऑडिट सिद्धांत क्या कहते हैं, अंकेक्षक सिद्धांत क्या कहते हैं कि एक ऑडिटर जो होता है उसको ईमानदार होना चाहिए, उसको निष्पक्ष होना चाहिए, उसकी जो जांच है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ टर्म और कंडीशन है, क्योंकि अगर भाई बात होगी अगर ऑडिटर ईमानदार नहीं होगा तो फिर रिपोर्ट सही नहीं आएगी। तो पहली जो कंडीशन, पहला जो सिद्धांत है कि ऑडिटर को अपना कार्य ईमानदारी से और निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, और इस चीज को और ज्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए क्या किया जाता है, हम जब भी ऑडिटर नियुक्त करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को एज ए ऑडिटर नियुक्त करते हैं जो जिसका कंपनी से कोई संबंध नहीं हो, कंपनी से कोई रिश्ता नाता न हो, ना ही कंपनी से वो लाभ प्राप्त कर रहा हो, ताकि जब वो ऑडिट करे, जब वो ऑडिट रिपोर्ट बनाए, तो वहां कोई भी जो है वो पक्षपात न हो। चलिए ठीक है। दो नंबर बात कहते हैं कि नियोक्ता की सूचना गोपनीय रखनी चाहिए। भाई नियोक्ता की जो सूचनाएं हैं, ऑडिट की जो सूचनाएं हैं, वो तब तक गोपनीय रखनी चाहिए जब तक कि उसके नियमों के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो उसे ऐसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। फिर अंकेक्षण मौलिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए, जो मौलिक सिद्धांत है ऑडिट के, उनके अकॉर्डिंग ही जो है ऑडिट किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है अंकेक्षण की प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंदर देखो, अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है वो है, आपको पता है, ऑडिटर की नियुक्ति, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट बनता है, फिर ऑडिटर जो है वो कंपनी के व्यवसाय, कंपनी का जो मालिक है उनको कहता है कि भाई आप जो अपने खाते पूर्ण कर लीजिए, हम आपकी ऑडिट करने आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो गई। फिर आती है अंकेक्षण की प्रविधि। अंकेक्षण की प्रविधि के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, एक तो भौतिक परीक्षण किया जाता है, पूर्ण गणना की जाती है, मूल प्रपत्रों की जांच की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, ये सारी प्रविधि के अंदर होती है ना। ऑडिटर वाउचिंग करता है, खातों की जांच करता है, तलपट की जांच करता है, लाभ हानि खातों P&L की जांच करता है, वाउचर से वाउचिंग करता है, तो ये इस प्रविधि के अंदर सारा आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अंकेक्षण के साक्ष्य। ऑडिट जब ऑडिटर करता है तो वो किस पे करता है, साक्ष्यों पे करता है, वाउचर पे करता है, और ये साक्ष्य
कहां वर्णन किए गए हैं, एएएस ऑडिट एंड ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1 के अंदर जो है इनको वर्णन किया गया है। दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं, बाह्य साक्ष्य होते हैं और आंतरिक साक्ष्य होते हैं। बाह्य एविडेंस होते हैं और आंतरिक एविडेंस होते हैं। आंतरिक कौन कौन से हो गए, जैसे कोई रसीद है नगद की, कोई विद्यक है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, ठीक है। और बाह्य कौन से हो गए, क्रेडिट विद्यक है, चालान है, बैंक विवरण है आदि, ये बाह्य हो गए, ठीक है। ये इतने ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आता है अध्यक्ष की अवधारणाएं। तो ऑडिट जो तीन अवधारणाओं पर की जाती है। पहली जो अवधारणा आती है वो किसकी आती है, स्वतंत्रता की अवधारणा। दूसरी आती है महत्वपूर्ण और महत्वपूर्णता व सारभूतता की अवधारणा। और तीसरी आती है ट्रू एंड फेयर की अवधारणा। इन तीन अवधारणाओं के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। ऑडिट का पूरा कार्य जो है वो पूर्ण किया जाता है। तो पहली अवधारणा क्या कहती है, स्वतंत्रता की अवधारणा, कि ऑडिटर को अपना कार्य स्वतंत्रता से करना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेते हुए, बिल्कुल स्वतंत्रता से उसे ऑडिट करना है। ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी के मालिक यहाँ नियुक्त, यह मेरा नियोक्ता है तो मैं इसके हित में कर दूं, नहीं। उसको स्वतंत्रता से जो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट आती है वो उसे करनी चाहिए और अपनी पूर्ण ईमानदारी और चातुर्य के साथ करना चाहिए। दो नंबर बात कहता है महत्वपूर्णता व सारभूतता। ऐसे कोई छोटे मोटे मुद्दे हो जो महत्वपूर्ण नहीं हो, जिनका कोई इतना ज्यादा विशेष महत्व नहीं हो, तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, ठीक है। ये दूसरी अवधारणा। तीसरी अवधारणा ट्रू एंड फेयर की अवधारणा। ऑडिटर को वित्तीय विवरणों को देख के उनपे एक रिपोर्ट देनी है जो क्या हो, उस कंपनी की, उस व्यवसाय की, उस संगठन की एक सही और उचित स्थिति प्रकट करते हो। अगर उसको लगता है कि जो उसने लेखांकन किया है, जो उसने डाटा बनाया है, वो अगर ट्रू एंड फेयर है तो उसे अमर्यादित रिपोर्ट दे सकता है वो। अगर उसको लगता है कुछ कमियां हैं तो वो मर्यादित रिपोर्ट दे सकता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर 1 आज हमारा लगभग 8 वीडियो के बाद कंप्लीट हो चुका है। कल से हम ऑडिट शुरू करेंगे पार्ट 2, और थोड़ा सा और लंबा वीडियो हम खींचने का प्रयास करेंगे ताकि चैप्टर जो जल्दी जल्दी हो, और आपको जितना इंतजार है नोटिफिकेशन का उतना ही ज्यादा इंतजार हमें भी है, ठीक है। तो जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है हम अपना गियर भी चेंज करेंगे और इस चीजों को और ज्यादा बड़ा करेंगे, लाइव क्लास को भी और बढ़ाएंगे और ज्यादा सब्जेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक बार फिर से। आपका 2 बजे एक और सेशन है, 2:30 बजे वीडियो है आपका बिजनेस मेथड का, और इसके बाद शाम को 5:30 बजे के करीब है ऑडिट का। उन वीडियो में फिर से मिलते हैं, उन लाइव सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू आप सब लोगों के जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए। बाकी अपना अध्ययन जो है वो कंटिन्यू जारी रखें, आप छोड़िए नहीं है। छोड़ देंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आने वाला है, क्योंकि आपने पिछले 2-3 महीने से तैयारी की है, और अब अगर आप छोड़ देंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो कंटिन्यू लगे रहिए, बिल्कुल सफलता मिलने वाली है। थैंक यू। जल्द ही कुछ ना कुछ खुशखबरी आपके लिए आने वाली है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।